हाय फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 प्रश्न वाली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है अपने को 49, प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289, तो प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो दोस्तों, यदि अपने को ये क्वेश्चन एक नंबर के अंदर मिलता है तो अपन इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। अपने को दे रखा है S7 बराबर कितना दे रखा है 49, जो कि होता है 207 का स्क्वायर। पद कितने हैं? 7 हैं। योग कितना आ रहा है? 49 आ रहा है, तो मतलब हो गया 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार S17 बराबर दे रखा है अपने को कितना, 289, जो कि होता है 17 का स्क्वायर। मतलब जितने पद है उसका स्क्वायर करने पर उन पदों का योग आ जाएगा। तो पूछा है कि n पदों का योग कितना होगा, तो n पदों का योग हो जाएगा 200 Sn बराबर हो जाएगा n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। ये तो थी शॉर्ट ट्रिक, अब इसको अपन थोड़ा डिटेल से सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। अब अपने को क्या क्या दे रखा है? S7 बराबर दे रखा है 49। अपने को पता है कि Sn बराबर होता है n बटे में 2 A1 प्लस An, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से S7 बराबर क्या लिख देंगे अपन, n के स्थान पर 7 बटे में 2 A1 प्लस An का मतलब A17, मतलब अंतिम पद, मतलब A7 लिखेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि 7 पदों का योग कर रहे हैं। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद होगा 7वां पद, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 से काटेंगे, कितनी बार काटेगा ये 49, 7 बार में, इस दो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 इक्वल टू A1 प्लस A7, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार अपने को दे रखा है S17, मतलब 17 पदों का योग दे रखा है 289 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बटे में 2 यानी कि 17 बटे में 2 A1 प्लस अंतिम पद हो जाएगा 17वां पद, ठीक है। यहाँ से करेंगे 17 से कितनी बार कटेगा, 17 बार कटेगा, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे वज्रगुणा के साथ, तो 34 बराबर A1 प्लस A17, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर A1 है और यहाँ पर भी A1 है समीकरण नंबर 1 में भी। तो यदि मैं समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटा दूँ, समीकरण नंबर 2 में से एक घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, तो A1 प्लस A17 बराबर 34 दे रखा है अपने को, और A1 प्लस A7 बराबर क्या है 14 है। घटाएंगे तो सभी के चिन्ह चेंज हो जाएंगे नीचे वाले समीकरण के, तो A1 से A1 गया, A17 माइनस A7 बराबर कितना आ जाएगा, 34 माइनस 14 हो जाएगा 20, क्या आ जाएगी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में से अपने को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या है, A17 माइनस A7 है, और अपने को इनमें से एक को गायब करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन, अपने को याद है फॉर्मूला An बराबर होता है क्या, A1 प्लस N माइनस 1। क्या होता है दोस्तों, An बराबर होता है A1 प्लस N माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब इस फॉर्मूले से करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर मैं A17 के बराबर क्या रख सकता हूँ, A1 प्लस 17 माइनस 1, एन के स्थान पर 17 माइनस 1 डी, कुछ ज्ञात नहीं है वो ज्ञात करना है, माइनस है। A7 के स्थान पर रखूँगा मैं A1 प्लस 7 माइनस 1, एन माइनस 1 के स्थान पर 7 माइनस 1 और डी का डी रख देंगे, और इक्वल टू कितना है 20 है। तो यहाँ से A1 प्लस 17 माइनस 1 16 डी माइनस, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस A1, फिर अंदर प्लस है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6 इंटू डी कितना हो जाएगा 6D इक्वल टू 20। यहाँ से A1 से A1 कैंसिल आउट, 16D में से 6D जाएगा तो 10D बचेगा इक्वल टू 20 है। तो यहाँ से D बराबर 20 बटे में 10 इक्वल टू 2, D बराबर कितना मिला अपने को 2 मिल चुका है। अब अपने को सार्वंतर मिल चुका है, तो क्या करेंगे अपन, प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद किस प्रकार निकलेगा, वो निकलेगा दोस्तों किससे निकलेगा, वो निकलेगा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से निकलेगा अपना डी। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, A1 प्लस A7 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ मैं दोस्तों, A1 प्लस 6D, डी के स्थान पर 2 इक्वल टू 14। यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1
प्लस ए वन कितना होगा, टू ए वन प्लस 12 इक्वल टू 14, टू ए वन इक्वल टू 14 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से ए वन बराबर कितना मिला अपने को, 2 मिल चुका है। अब अपने को दो चीज़ें ज्ञात हैं, एक तो सर्वांतर ज्ञात है और प्रथम पद ज्ञात है, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, एन पदों का योग निकाल सकते हैं। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बटे में 2 ए वन प्लस ए एन। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जबकि क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो एस एन बराबर होता है दोस्तों एन बटे में 2 ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो अपन ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ से क्या होएगा दोस्तों, एन के स्थान पर एन रहने देंगे, एन बटे में 2 ए वन, 2 इंटू ए वन कितना है, ए वन आएगा दोस्तों यहाँ से 1 आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, ए वन बराबर 1 प्लस एन के स्थान पर कुछ नहीं है तो एन माइनस वन, डी के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, 2 रखेंगे, यहाँ से एन है, ये आ जाएगा 2 एन बटे में 2, ये प्लस 2 इंटू एन कितना जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू एन 2 एन माइनस 2, माइनस 2 से माइनस प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 एन इंटू एन बटे में 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कितना आ गया, एन इंटू एन एन स्क्वायर। तो एस एन पर मतलब एन पदों का योग कितना आ गया दोस्तों, एन स्क्वायर, जो पहले ही अपन ने ज्ञात कर लिया था। तो दोस्तों ये तो ये जो यहाँ पर है वो तो शॉर्ट ट्रैक से ज्ञात किया था अपन ने। यदि आपको एग्ज़ाम के अंदर वैकल्पिक प्रश्नों के अंदर ये क्वेश्चन मिले तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। यदि आपको ये थोड़ा बड़े मतलब 5 नंबर के अंदर मिले तो आपको इस प्रकार सोल्व करना है। आई होप की चीज़ आपकी समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।